الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अभी हमने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जमा यह है वमिन आयातिहि अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़्वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हें में से उसका जोड़ा पैदा किया लितस्कुनु इलैहा ताकि तुम उससे तस्कीन हासिल करो सुकून कल्बी हासिल करो कश्मकश जहनी व कल्बी व रूहानी व नफ्सियाती का खात्मा हो और उसका कला कमा हो वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा और दरमियान मवद्दत को मोहब्बत को रखा रहमत को रखा इन फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून यकीनन इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर खोज करती तदब्बुर करती है तफक्कुर करती है। तो मेरे भाइयों, ये निकाह बहुत ही बामकसद और बाबरकत है। ये निकाह की कुछ मकासिद हैं, उन मकासिद में से एक ये भी है कि आपस में मेलजोल हो, उल्फत हो, मुद्दत हो, मुहब्बत हो। इंसान जब से पैदा हुआ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उन सब का जो निकाह है वो इबादत है। और दुरे मुख्तार में लिखा गया है कोई जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं उस वक्त से लेकर मरते दम तक कोई ऐसी चीज नहीं जो बाकी रहने वाली है सिवाय निकाह और ईमान के, जो चीज जन्नत में भी बाकी रहेगी। एक इंसान जब दुनिया में निकाह कर लेता है तो दोनों की जो इज्तिमाई ताल्लुकात हैं, जब तक इंसान उसको तोड़े नहीं वो जुड़ा रहता है और उनकी मोहब्बत और उनके ताल्लुकात बरकरार रहते हैं। निकाह है क्या, निकाह के माने क्या है? निकाह के लुगवी माने हैं ज़म्मुल फ़रजैन, दो शर्मगाह का आपस में मिलना। और इस्तिलाह में कहते हैं कि खास अक़्द के तहत ज़ौजैन का, मियां बीवी का अक़्द में बन जाना, बंधन में बन जाना खास शर्तों के साथ, महर वगैरह की अदायगी के साथ, इसे निकाह कहते हैं। निकाह के बहुत से फवाइद हैं, उन फवाइद में से एक फायदा ये भी है कि इंसान गुनाहों से बचता है, उसमें इफ्फत और पाकदामनी और पाकिजगी पैदा होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि फन्किहू मा तब लकुम मिन निसा, कि तुम्हारा जो तुम्हारा जी चाहे जिससे चाहे निकाह करो, दो दो व थुलाथा तीन तीन व रुबा चार चार। यानी अल्लाह ने तरगीब दिया इंसान को निकाह करने का, और इंसान निकाही से गुनाहों से बच सकता है। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को तरगीब देते हुए फरमाया या माशरा शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअ फलतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फरज व मन लम यस्तदी फ़अलैहि बिस-सौम फइन्नहु लहू विजाउन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो शख्स जिमा के लवाजिमात
हो, कुदरत रखता हो, उसे चाहिए कि निकाह कर ले, क्योंकि फैन अगजुल बसर, निगाहों की हिफाजत का इसमें सबसे ज्यादा सामान है, और अहसन अल फरज और शर्मगाह को महफूज रखने का इसमें सामान है। वमन लम यस्तति, और जो शख्स अगर इन लवाजिमात की इस्तात नहीं रखता है, ना नफका व सुकना और वहां वगैरह अदायगी पर भी कादिर नहीं है, तो उसको चाहिए कि फाड़ी भी सौ रोजे रखे। फाइन लहू विजाउन, क्योंकि इसमें गुनाह से बचने का सामान है और इसमें खसी होने का मादा है, यानी गुनाह से इंसान बचता है। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दो बातें फरमाई, एक तो ये कि अगर इस्तात रखता हो, अगर उस कंडीशन में हो, अगर उसके अंदर अथॉरिटी हो, क्षमता हो, तो चाहे तो फौरन निकाह कर दे। और मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि निकाह की उम्र को पहुंच गया है, तमाम चीजें मुहैया हैं, दस्तियाब हैं, उसके बावजूद निकाह से इंसान जी चुराता है, जान कटवाता है, जबकि निकाह के बारे में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है, और दूसरी फरमाया, फमन ग़लिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, कि जो शख्स अगर मेरी सुन्नत से एराज करता है, कतराता है, तो मुझसे नहीं है। निकाह ऐसी इबादत है कि जो हमेशा दुनिया में बाकी रहती है, आखिरत में भी बाकी रहती है, और निकाह के जरिए से इंसान गुनाहों से बच जाता है, इफ्फत और पाकदामी पैदा होती है, इसी तरह निकाह के जरिए से मोहब्बत पैदा होती, रिश्तों में उस्तवार होता है, ताल्लुकात बरकरार होते हैं, और दो अजनबी खानदान आपस में मिल जाते हैं, और इसके जरिए से फिर निकाह के जरिए से एक इंसान मर्ज़ी वजूद में आता है। अगर देखा जाए नस्ल इंसानी का बका, तो निकाह के जरिए अल्लाह ने रखा है कि निकाह के जरिए से औलाद पैदा होती है, और निकाह का एक मकसद नेक सालिह औलाद की ख्वाहिश और तलब भी है। इसी तरह निकाह का मकसद कायम हुदूद भी है कि अल्लाह ने जो हुदूद बताए हैं, जो लवाजिमात हैं, उनकी पाबंदी करता है इंसान। तो इसीलिए और चौथी जो चीजें हैं वो ये कि इंसान अपनी बिरादरी और अपने खानदान में एक मजबूत किरदार अदा करता है, वो इस तौर पर कि इंसान जब निकाह कर लेता है तो बहुत सी पाबंदियां उस पर आयद हो जाती हैं, बहुत से लवाजमान उस पर आयद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान डील करता है और उसके अंदर क्षमता पैदा होता है, अल्लाह की सलाहियत पैदा करता है, एबिलिटी पैदा करता है कि उन तमाम हालात को फेस करता है और जो सामना करता है, और तमाम तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए तो हमारे लिए वाकई ये जो निकाह एक इबादत बन जाए। लेकिन अगर निकाह का मकसद सिर्फ शहवत रानी है, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील है, तो फिर निकाह कामयाब नहीं हो सकता। बल्कि निकाह का मकसद सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, बल्कि इबादत है, निगाहों की हिफाजत है, शर्मगाह की हिफाजत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर फरमाया कि जब इंसान निकाह कर लेता है तो गोया वो निस्फ दीन कामिल कर लेता है, तो उसे चाहिए कि बाकी के सिलसिले में डरे। और बाकी वो क्या है, अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया कि दो चीजें ऐसी हैं कि अगर इंसान उसकी गारंटी ले ले और अगर हिफाजत कर ले तो मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूं, तो उनमें से एक क्या है, शर्मगाह है और दूसरा पेट है। तो चूंकि इंसान निकाह के जरिए से शर्मगाहों से शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है, और उसके जरिए से जो गुनाह में पड़ने का खदशात थे वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब जो चक्कर है, जो मसला है, वो पेट का है। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि पेट के सिलसिले में अपने आप को बचाए रखे, और निकाह
की वजह से चूंकि लवाजिमात खर्च भी बढ़ जाते हैं तो आमतौर पर इंसान हरामकारी में मुब्तला हो जाते हैं, दीगर तरीके से माल कमाने के चक्कर में लग जाते हैं और इंसान दीन को भूल बैठता है। तो इसीलिए अल्लाह रसूल ने फरमाया कि इंसान जब निकाह कर ले तो चूंकि एक चीज को कामिल कर लिया लेकिन दूसरी चीज जो पेट है उसके लिए इंसान गलत राह अख्तियार ना करे, बल्कि उसको हलाल तरीके से जो भी लुकमा इंसान के मुंह में जाए तो हलाल हो, हलाल तय्यब हो, रिस्क हलाल हो। ये नहीं कि अब हमने निकाह कर लिया जिम्मेदारियां बढ़ गई तो अब खुराफात में पड़ जाए, हराम काले मुब्तला हो जाए। नहीं, निकाह के जहां बहुत से मकासिद अगराज फवाइद हैं वहीं बहुत से नुकसान हैं। उनमें से एक नुकसान तो ये है कि आम तो इंसान ग्रहण मुब्तला हो जाता है, इसी तरह दीनी मामलात में उसमें सुस्ती पैदा हो जाती है, इसी तरह बीवी के हुकूक में कमी पैदा होने का अंदेशा रहता है। तो ये तमाम चीजें जहां पर हो, अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाए तो वहां पर फुकहा ने कहा है कि निकाह को तरजीह दिया जाए, क्योंकि निकाह के जरिए से इंसान गुनाहों से बच जाता है। और फुकहा ने निकाह के सिलसिले में कुछ मसाइल बताए हैं, कुछ आदाब बताए हैं कि कुछ हालतें वो हैं जिसमें निकाह फर्ज हो जाता है और कुछ हालतें वो हैं जिसमें निकाह वाजिब हो जाता है, कुछ हालतें वो हैं जिसमें निकाह सुन्नत मुअक्कदा है और वो भी हालत है जिसमें निकाह मकरूह तहरीमी है और एक वो भी हालत है जिसमें निकाह हराम है। तो सुन लीजिए निकाह के पांचों किस्म। निकाह फर्ज होता है उस वक्त जबकि इंसान नानो नफा व सुकना पर कादिर हो और उसके अंदर कुव्वत जिमा और कुव्वत बाह हो, तमाम चीजें हो और गुनाह में पड़ने का यकीन हो तो उस वक्त में निकाह पर फर्ज हो जाता है। लेकिन अगर गुनाह में पड़ने का यकीन नहीं है लेकिन महर नानो नफका व सुकना इन तमाम चीजों पर कादिर हो और इस दिवाली जिंदगी को अदा करने पर कादिर हो और गुनाह में पड़ने का जन्न गालिब हो तो इस वक्त में निकाह वाजिब हो जाता है। और आम कंडीशन में, कॉमन सिचुएशन में, आम हालत में निकाह सुन्नत मुअक्कदा है। जब इंसान गुनाह में पड़ने का जन्न गालिब ना हो लेकिन उनके अंदर तमाम चीजें अहलियत मौजूद हो, इस दिवाली हुकूक अहलियत मौजूद हो, हुकूक अदायगी करने पर कादिर हो, नान नफका व सुकना पर और महर की अदायगी पर कादिर हो, उसके बावजूद निकाह नहीं करता है तो वह सुन्नत से एराज करता है, उस हालत में भी सुन्नत मुअक्कदा है। और ये सुन्नत तमाम अंबिया और रसूल की है, जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए सब ने निकाह किया है। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً और उसने फरमाया और बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन व जअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा कि हमने इससे पहले जितने भी अंबिया और रसूल भेजे हैं सब ने निकाह किया था, सबकी औलादें थी, सबकी जो है ज़ुर्रियतें थी। इसी तरह नबी को सिखाया गया दुआ करने के लिए रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन इला अल्लाह हमारा परवरदिगार हमें जो है नेक सालेह बीवी अता फरमा और हमारे हमारी औलाद को हमारी बीवियों को आंखों का ठंडक का जरिया बना और बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन व जअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा और हमें मुत्तकियों के लिए इमाम और पेशवा बना, मुक्तदा बना। तो मालूम चला कि निकाह जितने भी अंबिया है सब ने किया है, ये मिन हैसुल रुसुल मिन जमीअ अंबिया व रुसुल मिन हैसु जमीअ अंबिया व रुसुल ये सब के नजदीक इत्तिफाक निकाह जो है अहम और महतम बिशान इबादत है। इसी तरह निकाह उस वक्त में मकरूह तहरीमी है जबकि इंसान को खदशा हो कि मैं हुकूक अदायगी नहीं कर पाऊंगा या मैं महर अदा नहीं कर पाऊंगा या दीगर अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तो इस वक्त में निकाह मकरूह तहरीमी है।
और निकाह उस वक्त में हराम है जबकि उसे यकीन हो कि मैं बदमिजाज हूं और मैं तुंदखू हूं, मैं बीवी पर जुल्म कर बैठूंगा, मैं सही तौर पर जो है बर्ताव व्यवहार और सुलूक नहीं कर पाऊंगा, तो इस वक्त में निकाह हराम है। इसी तरह निकाह का और भी बहुत से मसाइल है। निकाह में सिर्फ दो रुकन है, एक क्या है, ईजाब कबूल। النكاح لن أقض بالإيجاب والقبول يعبر أحدهما عن الماضي هدايا كي عبارت ہے کہ نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک لفظ ماضی سے تعبیر ہو اس لفظ کی تعبیر کسی ایک کی چاہے ایجاب یا قبول کی یا دونوں ماضی سے ہو مثال کے طور پر جیسے کہ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو इतना इतना महर के अवज अल्लाह के आपकी जरूरत में दिया, आपने कबूल किया, तो वो कहता है लड़का कि मैंने कबूल किया। इसी को कहते हैं कबूल। और जो पेशकश किया जाता है लड़की की तरफ से या काजी साहब जो कहते हैं वो ईजाब कहलाता है। तो ईजाब कबूल ये रुकन है और गवाही शर्त है। वला नक़्द निकाह इल्ला बिहुज़ूर शाहिदैन आक़िलैन बालिग़ैन हुर्रैन कि दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह मुनाकिद होता है। वो दुआ गवाह कैसे हो, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, आजाद हो, इन दो के गवाह मुतबर, गवाही मुतबर। इसी तरह दो मर्द ना हो, एक मर्द हो, दो औरत हो, तब भी निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर औरत हो तो एक मर्द के मुकाबले में दो औरत की गवाही मुतबर होगी, इसलिए कि उसे नाकसात अक्ल कहा गया। इसी तरह महर ये बीवी का हक है। और अगर मजलिस में, निकाह के मजलिस में महर का तस्करा न किया जाए तब भी उस पर महर मिस्ल लाजिम हो जाता है। महर मिस्ल क्या है कि उसके खानदान में जो उस लड़की की उम्र है या इल्म में, शराफत में और तमाम चीजों में अगर उसके खानदान में उसके मुकाबिल न हो, उसको जो महर मैं रकम मिली है चाहे जो कुछ तय हुआ है, तो वही चीज उस पर भी लाजिम हो जाएगा। और कम से कम अब इमाम रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक 10 दिरहम महर शर्त है। अगर 10 दिरहम से कम में निकाह होता है तो निकाह में वो महर मुतबर नहीं होगा। महर 10 दिरहम कितने होते हैं तो मौजूदा ग्राम के एतबार से, वजन के एतबार से 30 ग्राम 62 आशारिया होता है। और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 30 ग्राम 618 आशारिया लिखा है कि चांदी या इसकी कीमत या इसके चांदी के एवज में कोई सामान या कोई भी जेवर बनाकर दे दिया जाए तो महल अदा हो जाएगा। और आजकल हमारे माशरे में जो महर तय किया जाता है, महर फातमी जिसे हम जानते हैं, तो सुन लीजिए कान खोल कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं सिवाय उम्मे हबीबा के, इसी तरह आपकी तमाम साहबजादियों में सिवाय फातिमा के आमतौर पर जो महर जो तय थी, महर की जो मकदार मुतय्यन थी वो 500 दिरहम। किसी में 12 उंकिया का लफ्ज आया हदीस में तो कहीं पर 12.5 का आया है। तो 12.5 का जब बात करते हैं तो 500 दिरहम होता है, या अगर 12 का आयता करते 480 होता है। बहरहाल 500 दिरहम इसकी मौजूदा वजन क्या होती है तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 500 दिरहम की मज़ाहिर हक में लिखा है कि 1 किलो 530 ग्राम। और मारे फातमी को लिखा है 1 किलो 750 ग्राम। लेकिन मारे फातमी के सिलसिले में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तहकीक है वो ये कि 1 किलो 530 ग्राम 900 मिलीग्राम, यानी 10 ग्राम कम, 100 ग्राम कम। इसको यूं कह लीजिए 1 किलो 531 ग्राम 900 मिलीग्राम, उसमें 100 ग्राम और 100 मिलीग्राम और मिला दीजिए
तो वह पूरा मुकम्मल हो जाता है। तो एक किलो 531 ग्राम, तो इसकी कीमत हो या चांदी या जो भी जेवर या इसके मुआवजे में जो मौजूदा कीमत बनती है वो तय किया जाए। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे फातमी के नाम पर लाखों वो पिए और 1,25,000 80,000 90,000 तय करते, जबकि अगर 40,000 रुपये अगर कीमत, अगर 40,000 रुपये किलो अगर चांदी है तो 1.5 किलो का कितना होता है, 60,000 रुपया होता है और कुछ रुपये बचते हैं। लेकिन आज क्या होता है, उसके बरक्स होता है। तो हमें ये भी मालूम नहीं हमारे फातमी है क्या, लेकिन हमारे फातमी के नाम पर आज हमने रस्म रवाज को जन्म दिया है और लड़की की इस्तेदाद से बढ़कर हम महत्व तय करते हैं। ये भी शरीयत के से दुरुस्त नहीं है, इस्लामिक तालीमात के खिलाफ है, सुन्नत नबवी के खिलाफ है और नबवी तालीम के खिलाफ है, अल्लाह रसूल सल्लम की तालीम के खिलाफ है। बल्कि ठीक है, अगर हमारे फातमी तय करना हो तो उसके लिए आप 1 किलो 531 ग्राम चांदी या उसकी कीमत या उसके बदले में कोई सामान या जेवरात जो भी देना चाहे वो दे, लेकिन उसके बरखिलाफ होता है। इसी तरह निकाह में आज देखा जाता है तरह तरह के खिलाफात की आती है, जबकि निकाह में मस्नून ये है, मुस्तहब ये है कि सिर्फ निकाह का ऐलान कर दिया जाए। अल्लाह का उसने फरमाया अअलिमु हादा निकाह व जअलहू फिल मसाजिद, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है कि ऐलान कर, निकाह का ऐलान करो और उसे मस्जिद में कायम करो, तो ऐलान करना मुस्तहब। इसी तरह वलीमा ये सुन्नत है, बाद उलमा ने वाजिब कहा है मगर ये सुन्नत है और बाद मुस्तहब कहा है, लेकिन जम्हूर उलमा का जो कौल है वो सुन्नत का है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु शादी करते हैं और उसके बाद अफजम से कुछ दिन के बाद मुलाकात होती है, तो अफजम हाथ में पीले रंग देखते हैं, जाफर रंग का असर देखते हैं हाथ में, तो फरमाते हैं खैरियत को अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक फुला औरत से निकाह कर लिया, तो आप सबने क्या फरमाया औलिम वरो बिशाति कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना, तो वलीमा ये सुन्नत है। खुलासा क्या निकला बच्चों, खामोश करो, खामोश करो, बैठना है। इन तमाम चीजों का हसल क्या निकला कि निकाह में जो जरूरी चीजें हैं, जो रुकन है, जो फर्ज है, वो ईजाब कबूल है, गवाही।